चार्जशीट गिर गई तो उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट लिया जाएगा, खाली मुझे ये जानना था सर। और सीआर नंबर नहीं मिल रहा था मेरे को, तो इतनी रिक्वेस्ट है आप सीआर नंबर दीजिए ना सर प्लीज। वो तो सर पिन में मालूम पड़ेगा क्योंकि वो रजिस्टर है वो ऑफिस में। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, आप जो बोलना चाहते हैं मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ आपसे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट होंगी। अच्छा काले साहब करके कोई है? काले साहब? हाँ पीआई काले साहब है ना, पीआई पुलिस इंस्पेक्टर काले सर। ओके सर, अपना सीनियर पीआई कौन है अभी वहाँ? सीनियर पीआई साहब? सीनियर पीआई साहब तो अभी बाहर रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, नाम नाम जो साउथ मुंबई से आए थे वही है? हाँ बराबर। हाँ सावन सर, सावन सर बराबर पहचान तो बुद्ध। कोई नहीं, क्या मसला है पता है साहब, ये मामले में मैंने उनको भी कॉल किया था, किनको? काले साहब को। तो उन्होंने आधी बात सुनी और फोन कट कर दिया सडन, और ये मामला ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो हियरिंग चालू है, एक्चुअली 3 हियरिंग हो चुकी है अभी, मीन्स डिसीजन का डेट था। तो अभी जो भी आए थे, क्योंकि इनलीगल डिटेंशन का मामला था। ओके अभी ये अपना क्या बोलते हैं इसको, सोशल मीडिया स्टार जैसा है सियाराम मिश्रा, तो उसके 2-3 फोटो होंगे किसी के साथ। अभी मुख्यमंत्री साहब है अपने यहाँ के, जो उनके साथ भी फोटो है उनका बराबर, लेकिन वो अरुण गवली के नाम पे उनको खाली, मीन्स वो तो फोकस करा गया, ऐसा ऐसा मसला था। अब जिसका हियरिंग ह्यूमन राइट्स कमीशन में ऑलरेडी चल रहा था, अभी कल नोटिस आता है बराबर शाम के 5 बजे, वो नोटिस इशू होता है कल ही शाम में ही 5 बजे आता है कल का। मैंने पूरे कोर्ट का ई कोर्ट से पूरा छान मारा, और मैं एडवोकेट भी हूँ सर जूनियर, LLB का भी मैंने स्टडी किया 2 ईयर्स, तो मैंने उसमें भी छान मारा, मुझे कहीं नहीं दिख रहा 2022 में कोई सियाराम मिश्रा का नोटिस। ओके और मैं इसके हिसाब से थोड़ा कन्फ्यूजन में था, इसके लिए पूछा सर फोन करके आपको। तो अगर साहब मैं ये बोलना चाहता हूँ, पुलिस चौकी माशाल्लाह एक ही रहता है अपना, कोई भी मामला हो और उन्होंने फोन है ना आधी बात करके काट दिया, बाद में ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसका मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था, तो वो मैंने ट्विटर पे तो ऑलरेडी मैंने डाला है। क्या करेंगे साहब, देखो कैसा है, अगर जेन्युइनली कोई इंसान कुछ करा हो उसको अरेस्ट करे, इट्स ओके इफ ही इज एनी अक्यूज, अननेसेसरी मीन्स फोकस कर रहे हैं ऐसा मैटर हो रहा है, और वही मामला सेम टू सेम एज इट इज पेंडिंग है, और फर्स्ट एप्लीकेंट सियाराम मिश्रा था फरवरी के महीने में 22 तारीख को, लेकिन उसके बाद के एप्लीकेंट ओपोनेंट हो जाते, ऐसा सब उल्टा सब हो गया था। और दूसरी बार अरेस्ट एक मामले में स्टेटमेंट चार्जशीट गिरने के बाद थोड़ा गिरा तो शक हुआ थोड़ा, तो इसके लिए मैं क्लेरिफिकेशन कर रहा हूँ। वो न्यूज़ पब्लिश करना पड़ेगा सर, न्यूज़ पब्लिश कर सकते ना, नहीं तो क्या है अनलीगली डिटेंशन ना हो जाए फर्स्ट से, मीन्स वंस अगेन अरेस्ट हो सकता है ना 2 दिन में आने का, मीन्स कैसा हो गया अभी आज सैटरडे हो गया, ठीक है अब संडे ऑफ रहता है, मंडे के दिन नहीं पहुंचे तो रात को 12 बजे जैसे एक एग्जाम्पल कल उठा लिए, जबरदस्ती सर पूरी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएंगी ना, बस इसी वजह से। आप बोल रहे हो सब बराबर है सर, लेकिन अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आपको सर मैं आपकी सब बात से सहमत हूँ। ओके मुझे डिटेल जो जो आपने दी है वही चीज़ मैं सर खबर छापूंगा, और मेरे को देखो सर कोई चीज़ अगर गलत हो रहा है ना उसको मीडिया रुका सकता है और कुछ नहीं कर सकता, बाकी तो कोर्ट में मामला दर्ज है ऑलरेडी, ह्यूमन राइट्स कमीशन में मंडे सुबह होते ही जाएंगे, बट अननेसेसरी कैसा डिटेल ना हो हमने भी इन्फॉर्म किया है आप लोग को, ये चीज़ हमारे पास भी एक रहेंगे, उसका फैमिली आज पूरा रो रहा है सर। चलिए खैर कोई नहीं सर, माफ़ करना आपको इतनी तकलीफ दी आपने जो बताया उसके लिए शुक्रिया। आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप काले करके नहीं नहीं सर, आप देखिए मैं आप एक बात बताऊँ, वो काले साहब ने ब्लैक लिस्ट कर दिया साहब नंबर, देखिए उससे इशू नहीं है कोई भी, मैं सावंत सर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ओके और एक मांडे सर है, कौन तो है मांडे ऐसा कुछ मराठी या मांडे साहब का नाम मैं भूल गया, वो भी है, उनको भी अच्छी तरीके से जानता, समझे नहीं, मुझे उनसे जवाब मिल गया होता ना तो मैं आपको लैंडलाइन पे क्यों कॉल किया मालूम है, ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए कि मैं भी रख सकूं, अननेसेसरी सर कोई के साथ गलत ना हो ये मेरा मकसद है बोलने का। वारिस अली सैयद, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कोऑर्डिनेटर भी हूँ और प्रोफेशन से जर्नलिस्ट हूँ सर। ये जो मामला आपके वहाँ का ब्रेक हुआ था अपना क्या नाम इसका, अल्लाह ने की देवे तो ये बुगी था ना, हर्ष हर्ष क्या नाम, शाह शाह,
हेलो, बुगी वाला मामला था, हर्ष मैच बुगी वाला। हाँ तो सर, उसका मामला मैंने ही एक्सपोज किया था, मटका किंग, मटका किंग हर्ष, हर्ष क्या शाह, शाह नाम है वो मारवाड़ी का। हाँ सर, मैं वही वारिस अली सैयद। चलिए खैर, कोई नहीं सर, माफ़ करना तकलीफ थी उसके लिए। नहीं नहीं साहब, देखो आपने इतना कॉर्पोरेशन दिया, इतना टाइम मुझसे बात किया, बहुत बड़ी बात है। हाँ साहब, आपने इतनी मेरे को बात की इतना टाइम है ना, मैंने भी सर कैसे अपना वक्त नहीं गुजारा है, तो मुझे पता है पुलिस लोग जल्दी इतना बात भी नहीं करते। चलिए खैर, थैंक यू सर, माफ करना। हमारा काम इंफॉर्मेशन देना है, अगर हमारे पास हो। हाँ बराबर है, बस देखिए देखो क्या है, एटलीस्ट आप ये तो बोल सकेंगे, अभी कैसा नाइट ड्यूटी पे, अभी जैसा आप हो या जो भी रहेंगे आपके सुपीरियर एपीआई या जो भी रहेंगे रात में, उनको भी तो एक चीज नॉलेज भी हो जाएंगी ना सर, कि मीन्स ऐसा कुछ अगर अगर गलत होता है, अगर सही है तो इट्स ओके, कैरी ऑन, कानून के आगे कोई भी नहीं है। गलत ना हो किसी के साथ, बस अपना ये मोटिव है। चलिए खैर, ओके सर, ठीक है। मैंने कहाँ रख दिया पेमेंट, छोटी रिकॉर्डिंग छिनाल की। देख के बोलना, मोबाइल